दीदागंज आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि शाहपुर नौहरा गांव के निवासी दो दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गए। अधेड़ का बुधवार को गांव के बगल कुंवर नदी के किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों ने गांव के दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि दीदागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर नौहरा गांव निवासी पारसनाथ पुत्र राजा राम उम्र 55 वर्ष जो घर में रहकर झाड़ फूक और जहती का कार्य करते थे। सोमवार की रात पारसनाथ कहीं भूत प्रेत के चक्कर में झाड़ फूक करने गए थे, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। काफी खोजबीन के बाद मंगलवार को पारसनाथ की पत्नी स्वभावती देवी ने दीदारगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं माता राम प्यारी और पत्नी स्वभावती का आरोप है कि गांव के दो लोग घर से बुलाकर झाड़ फूक करवाने ले गए थे, तब से पारसनाथ लौट कर नहीं आए। वहीं बुधवार की दोपहर शाहपुर गांव के बगल से गुजर रही कुंवर नदी के किनारे पारसनाथ का शव पानी में उतराया हुआ था। भैंस चराने गए लोगों ने देखा तो परिजनों को इसकी सूचना दी। मौके पर परिजन और गांव के लोग पहुंचे। दीदागंज पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। नदी के किनारे शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के गायब होने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष दीदागंज संजय कुमार सिंह ने कहा कि मृतक के गायब होने के संबंध में मुकदमा दर्ज है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, मामला संदिग्ध है, जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद अगली कार्रवाई पुलिस करेगी। आइए देखते हैं। दीदागंज से डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह की रिपोर्ट, डीजीएस न्यूज 24 पर।